तो आइए जानते हैं एस्प्रेसो ऐप में आप प्राइस अलर्ट कैसे सेट कर सकते हो। इंडाइसेस टैब में हो, मार्केट मूवर्स में हो या फिर आप वॉच लिस्ट में हो, आपको बस स्क्रिप्ट के ऊपर टैप करना है। नीचे से जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको प्राइस अलर्ट का ऑप्शन दिखेगा, या फिर आप सीधा मेन्यू से भी सेट कर सकते हो। आपको मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद टूल सेक्शंस में प्राइस अलर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप एक साथ ग्रेटर देन लेस देन दोनों प्राइस सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए भी प्रोविज़न है, जैसे कि 52 वीक हाई लो, बोर्ड मीटिंग रिजल्ट, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, देन आपको डिलीवरी ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे हिस्ट्री टैब दिया गया है जहाँ पे आपको सारे अलर्ट्स की हिस्ट्री दिखेगी। यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप डेटा या फिर आपके प्राइस अलर्ट्स सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, जो भी आपने नोटिफिकेशन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर सेट किया था। उसके बाद यहाँ पे भी फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आइए मैं आपको एक प्राइस अलर्ट सेट करके बताता हूँ। आपको ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। मैं रिलायंस पे प्राइस अलर्ट सेट करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे रिलायंस टाइप करना है। रिलायंस आ चुका है। मुझे ग्रेटर देन अगर चाहिए तो मुझे LTP के ऊपर सेट करना पड़ेगा, अगर मुझे लेसर देन चाहिए तो मुझे यहाँ पे LTP के नीचे सेट करना होगा। यहाँ पे मैसेज का भी ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आपको क्लिक करना है तो एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप प्रीडिफाइंड मैसेज भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन सेट करना है, आपको डिलीवरी ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। और ये मेरा प्राइस अलर्ट ट्रिगर भी हो चुका है। यहाँ पे मुझे बाय सेल का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बाय सेल ऑर्डर विंडो ओपन होगा। यहाँ पे मैं रीसेट भी कर सकता हूँ या फिर मैं DND भी कर सकता हूँ। जैसे मैं बाय पे क्लिक करूँगा, ये मेरे लिए रिलायंस का बाय ऑर्डर विंडो ओपन करेगा जहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.